असलम साथियों कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ खरवाफियत से होंगे घर पे होंगे स्वस्थ होंगे तो फाइनली मैं आज आप सब लोगों के लिए जो ये क्लास लेकर के आया हूँ ये उर्दू अदब और उर्दू कवायद दोनों का लेकर के आया हूँ जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लास ट्वेल्थ और टेंथ का मैं कंटिन्यू एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ इससे पहले मैं दो वीडियो लेकर के आ चुका हूँ अगर आप लोग नहीं देखें तो वो वाली वीडियो देख लीजिएगा और आज का जो यानी टॉपिक है हमारा नहीं, क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का दोनों सीरीज का मैं से मिला जुला करके सब कुछ लेकर के आया हूँ उसके अलावा उर्दू कवायद का भी कुछ सवाल जवाब में लेकर के आया हूँ ठीक है तो चले बिना वक्त को गवाए हुए शुरू करते हैं और जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि मैं आज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देने वाला हूं तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर एक से सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है कि अखबार अलाल के बानी कौन है बा, बानी कौन थे तो अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे अब यहां पर थे सर सरसेद अहमद खान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अलावा महात्मा गांधी उसके अलावा पंडित नेहरू तो सही जवाब की अगर बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों क्या होगा बी नंबर सही जवाब हो जाएगा यानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यानी अखबार अल हिलाल जो इन्होंने निकाला था ठीक है जी उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं और मैं आपको यही बताऊंगा कि देखिए वही सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ देखिए बेसिकली उर्दू को बहुत बड़ा चीज मत समझिएगा सिर्फ आप लोग को जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करते चले इन इसी से ही आएगा आप लोग सवाल देखिये गुबारे खातिर के मुसन्फ़ कौन है मोहम्मद मोहसिन आजाद उसके अलावा क्या है कि यानी हबीबुर रहमान शरवानी उसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके अलावा क्या है कि अतीफा फैजी तो सही जवाब की अगर बात करेंगे तो राइट आंसर की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद गुबारे खातिर के मुसनिफ करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर हो जाएगा ये क्लास ट्वेल्थ का क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर आया हुआ अगला सवाल देखिए गुबारे खातिर के मकतूब आलिया मकतूब आलिया कौन है तो गुबारे खातिर के मकतूब आलिया की अगर बात करेंगे सैयद सलमान नदवी हबीबुर रहमान शिबली नुमानी उसके अलावा सरसैद अहमद खान तो यहाँ पर सही जवाब की और बात करते हैं तो हबीबुर रहमान शेरवानी करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल सही जवाब बी नंबर हो जाएगा उसके अलावा दोस्तों अगला सवाल को देखेंगे अगला सवाल हमारे पास चौथा नंबर है क्या बोल रहे हैं गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सनफ से है तो गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सनफ से है अब यहाँ पर खतूत है उसके अलावा क्या है कि खाका है उसके अलावा अनशाया है उसके अलावा अफसाना है तो फोर्थ नंबर का सही जवाब की बात करेंगे तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों ए तो नंबर हमारे पास क्या है यानी खतूत करेक्ट आंसर हो जाएगा खातिर का ताल्लुक किस सनफ से तो खतूत से है ठीक है उसके अलावा अगला सवाल देखते हैं फाइव नंबर गुबारे ख़ातिर के खतूत किस जैल से लिखे गए हैं तो गुब्बारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए हैं यहाँ पर देखिए हजारीबाग जेल उस जेल नहीं है जेल है तो किस जेल से लिखे गए थे गुब्बारे खातिर के खतूत हजारीबाग जेल उसके अलावा क्या है कि बाकीपुर जेल उसके अलावा क्या है कि नी, आ, नी, कला किला अहमद नगरी जेल उसके अलावा क्या है कि तहाड़ जेल दिल्ली तो यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा फाइव नंबर का बी नंबर हो जाएगा बी नंबर क्या नहीं पाकीपुर जेल से गुबारे खातिर जो लिखा गया था वो मौना अब्दुल कलाम आजाद जब जेल करा कर दिया गया था तो वहीं से उन्होंने लिखना शुरू करा था अगला सवाल देखिए अखबार अलीलाल के बानी कौन थे तो ये तो काफी आसान है मौरना अब्दुल कलाम आजाद हमारा सही जवाब की अगर बात करते दोस्तों बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर का अब अगला सवाल को देखेंगे अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है सेवन नंबर रिसाला तहजीब तहजीबुल अलखलाक किसने ने जारी किया तो रिसाला तहजबुल अखलाक किसने जारी किया अब यहाँ देखिए मौलाना अनी हाली उसके अलावा क्या कि मोहम्मद हसीन आजाद मोहम्मद मोहसिन आजाद सॉरी मोहम्मद हसीन आजाद उसके अलावा मौलाना मौलवी अब्दुल हक उसके अलावा सर सैद अहमद खान तो सही जवाब की अगर कर बात करते हैं सेवन नंबर का हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का डी नंबर क्या है ये सर सैयद अहमद खान करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके अलावा अगला सवाल देखते हैं दोस्तों अगला सवाल हमारे पास इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आजाद से नहीं है तो किस रसाले से ए, किस रसाले का ताल्लुक जो है मौलाना आजाद से नहीं है अल हिलाल है उसके अलावा हमदर्द है उसके अलावा अलबलाग है उसके अलावा क्या है यानी लिशान लिशानुल यानी क्या कि सिद्दीक है तो यहाँ पर सही जवाब की अगर कर बात करेंगे तो एट नंबर का हमारा बी नंबर हो जाएगा यानी हमदर्द हो जाएगा क्योंकि हमदर्द करेक्ट आंसर यानी बी नंबर सही जवाब हो जाएगा उसके अलावा अगला सवाल देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था तो मौलाना आज़ाद का असल नाम अजीमुद्दीन उसके अलावा नईमुद्दीन उसके अलावा मोहिद्दी उसके अलावा जसीमुद्दीन तो क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर फटाफट से आप सब लोग को देने हैं ठीक है जी तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दस नाइन नंबर का जी बिल्कुल नंबर नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके अलावा अगला सवाल को देखेंगे अगला सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है बिल्कुल हम लोग रिविजन क्लास को लिए चल रहे हैं आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्योंकि इससे पहले हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं है ना अगला सवाल देखिए अगर आप क्लास टेंथ ट्वेल्थ में पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन हो रहा होगा ये आप लोगों को पता चल रहा होगा है ना अगला सवाल देखिए मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपके ने आपकी किताब में शामिल है तो मौलाना आज़ाद के खतूत आपकी किताब में शामिल है कितने जो है आ, कितने खतूत है एक दो तीन चार तो फटाफट से आप लोगों को जवाब दें दस नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा सी नंबर में तीन सही जवाब हो जाएगा उसके अलावा अगला सवाल देखिए गुबारे खातर यानी किस का मजमु है तो फटाफट से आप सब लोगों को जवाब देना है तो यहाँ पर ग्यारह नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों तो ग्यारह का राइट आंसर सी नंबर होगा यानी कि खतूत का हो जाएगा यानी गुबारे खतर किसका मजमुआ तो खतूत का मजमुआ है उसके अलावा अगला सवाल देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि मौलाना आज़ाद पहले यानी पह, पहली बार किस उम्र में नहीं, नहीं, किस उम्र में कांग्रेस के सदर बने थे तो देखिए किस उम्र में मौलाना आज़ाद अगर कहा जाए तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ना यानी कांग्रेस के सबसे ज्यादा रहने वाले सदर थे ठीक है यानी इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बने तो पैंतीस साल है चालीस साल है पैंतालीस साल है बयालीस साल है तो सही जवाब की बात करेंगे बारह नंबर का ए नंबर होगा ए नंबर में पैंतीस साल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसके अलावा अगला सवाल देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है करेंगे गुब्बारे खातिर में कितने खतूत हैं तो गुब्बारे खातिर में कितने खतूत है चौबीस है बीस है उसके अलावा सोलह है उसके अलावा नहीं चौदह है तो यहां पर सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों आंसर तो हो जाएगा उसके अलावा अगला है क्योंकि आप सब लोग को पता होगा कि पंद्रह मार्क्स का आपका कवायद रहेगा दस मार्क्स से उर्दू अदब का रहेगा ये आप लोग को जब पता है तो हम लोग कवायद भी पढ़ना शुरू कर देते हैं अभी हम लोग और भी उर्दू अदब से पढ़ने वाले हैं अभी यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं सौ नंबर से इससे पहले वाला मैं आप लोग को एक बार पढ़ा चुका हूँ इसलिए रिविजन करने के लिए एक तक मैं लेकर आया हूँ और एक पहले वाला जो साठ से लेकर के नंबर तक मैं आप लोग को फिर से अगले वीडियो में दोबारा से मैं लेकर के आ जाऊंगा आप लोग पढ़ लीजिएगा और एक वीडियो ऐसा आप लोग के लिए मैं दे चुका हूँ जिसमें आप लोग को एक से लेकर के 200 क्वेश्चन तक करा चुका था ये कवायद का अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा है ना देखिए 160 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि यानी जिला का जिला का फाइल क्या होगा तो जिला का फाइल क्या होगा यानी क्या की सॉरी सलाह है सलाह सलाह का फाइल क्या होगा सलाहिया हो जाएगा उसके अलावा क्या हो जाएगा हो जाएगा सलाहियत तो, सलाह जाएगा उसके अलावा क्या हो जाएगा तो एक सौ साठ का सही जवाब की अगर बात करते दोस्तों तो बी नंबर हो जाएगा यानी क्या होगा मुस्लह हो जाएगा सलाह का फाइल क्या होगा मुस्लह हो जाएगा ठीक है चलिए उसके अलावा देखिए अगला सवाल देखिए अगला सवाल हमारे पास ये तो काफी रट्टा वाला था है ना उसके अलावा देखिए यानी बरुदत बरुदत की जिद क्या होगी तो बरुदत की जिद क्या होगी फटाफट से बताइएगा क्या कि शरारत है उसके अलावा क्या है शराफत है उसके अलावा हरारत है उसके अलावा क्या है नहीं, हलावत है तो ब, की, ज, बरुदत की जिद की अगर बात करते हैं दोस्तों एक सौ इकसठ का सही जवाब ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हरारत हो जाएगा यानी क्या हरारत ठीक है हरारत मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह घूमना फिरना और एक बरुदत हो जाए कि एक जगह स्थिर रहना ठीक है उसके अलावा शेखु किस का किस इसम की मिसाल है तो शे, शेखु जो है ना किस इसम की मिसाल है उर्फ है लकब है तखलुस है या फिर कन्नीत है तो शेखु की अगर बात करते हैं दोस्तों एक सौ बासठ का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा यानी ये एक क्या है उर्फ हो जाएगा ठीक है तो बासठ का हमारा सही जवाब ए नंबर उर्फ हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना शेखु टेपू उसके अलावा और भी मतलब हम लोग जो है अलग से प्यार से या फिर कोई किसी काम के उसको गलती या फिर कुछ ऐसा वैसा करने से उसका नाम दे देते हैं उसको हम लोग यानी क्या बोलते हैं तो रफ बोलते हैं कुत जो कि माँ बाप के यानी नाम से मिलता है उसको कुनीयत लकब जो यानी के जो यानी कुछ अच्छा काम करने से उसको यानी दिया जाता है जैसे उसको लक़ब बोलते हैं आवाम देती है ठीक है और तखलस क्या है तख्लुस इसको बोलेंगे जिस नाम को हम लोग जो है शेर शायरी करने के लास्ट में या फिर बाद में जो नाम को जोड़ते हैं उसको तख्लुस है ना अगला सवाल क्या है कि रूह की जमा क्या होगी तो रूह की जमा क्या होगी रूह होगा अरवाह होगा उसके अलावा यानी रुहन हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं तो तिरसठ का सही जवाब की अगर बात करें तो दोस्तों तो बी नंबर क्या हो जाएगा अरवाह हो जाएगा है ना उसके अलावा अगला सवाल देखिए रूह की सिफत क्या होगी तो रूह की सिफत क्या होगी अरवाह हो जाएगा रूहानी हो जाएगा या फिर क्या होगा रूहानियत होगा या फिर रूहान रुखा, रूबा रूहानी हो जाएगा क्या हो जाएगा तो चौंसठ का एक सौ चौंसठ का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा यानी रूहानियत ठीक है हाँ सिफत यानी उसकी रूहानियत तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए रूह की रूहानी चीज हाँ रूहानियत ही होगा ठीक है चलिए रूहानी क्या हो जाएगा रूह मतलब होता है कि ये तुम्हारी रूहानी है हाँ रूहानी होगा दोस्तों बी नंबर होगा सही जवाब है ना जी बिल्कुल बी नंबर से होगा देखो जैसे कि रूह होता है कि हमारे अंदर अब मान मान कोई हमारे अंदर कोई खूबी है जैसे कुछ चीजें जैसे हमारे बुजुर्ग लोग या फिर वली लोग या फिर आ, अच्छे जो अल्लाह के करीब हैं उन लोगों को कुछ चीज है जो अब, पता रहता है तो उनको क्या है रूहानी इल्म है यानी कि सीफत हो जाएगा वो रूहानी हो जाएगा ठीक है रूहानियत नहीं होगा तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा अच्छा आप लोग भी बता दीजिएगा कौन सा सही होगा बिल्कुल मेरे ख्याल से ये हंड्रेड परसेंट सही हो जाएगा है ना अगला सवाल देखिए अगला हमारे पास है कि जलाल की जिद जिद क्या होगी तो जलाल की जिद की अगर बात करें जमाल है उसके अलावा जमील है उसके अलावा जमाली है उसके अलावा इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर पैसठ नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर ए नंबर का जमाल हो जाएगा नहीं जलाल का जिद क्या होगा जमाल हो जाएगा उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या नहीं हजू का जिद क्या होगी हजू की जिद की अगर बात करेंगे क्या की नहीं मदहत हो जाएगा उसके अलावा मदह हो जाएगा मदाह हो जाएगा उसके अलावा मदाश ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फटाफट से आप सब लोग यहाँ पर एक का जवाब देना है एक का सही जवाब बी नंबर नहीं हो जाएगा क्या होगा नहीं हजू हजू की जिद की अगर बात करेंगे तो मदह हो जाएगा है ना मदह का फाइल क्या होगा तो मदह का फाइल की अगर बात करेंगे देखिए फाइल किसको बोलेंगे जैसे कि काम काम क्या है फेल हो जाएगा फाइल यानी कि मेरा नाम है सकलैन हैदर ठीक है तो सकलैन क्या हो जाएगा ये फाइल हो गया ठीक है नहीं करने वाला को फाइल और जो काम है उसको होना या करना समझाए उसको हम लोग फेल बोलते हैं तो फाइल मदीहा हो जाएगा या फिर क्या होगा मदह मदहत हो जाएगा या फिर मद्दाह हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं तो देखिए फाइल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सही जवाब मदीहा हो जाएगा यानी कि ए नंबर हमारा सहीसद नंबर का सॉरी सी नंबर होगा यानी मद्दाह हो जाएगा मद्दाह हम लोग बोलते मद्दाह है अनाम यानी कि मद्दाह मतलब होता है कि जो आने वाले हैं स्टेज पर जिनका नाम है

इसको हम सूत आवाज बोलते हैं हम सूत लफ्ज बोलते हैं यहां पर शवाब है और यहाँ पर सवाब है तो दोनों यहाँ पर शबाब है तो आ, तो तीनों एक लगा है, एक तरह लगा है, लग रहा है लेकिन अलग अलग मीनिंग होगा तो अजाब का कैरेक्टर आंसर की बात करेंगे सवाब यहाँ पर सवाब यहाँ पर सॉरी तो यहां पर सही जवाब की कर बात करें एक सौ उनहत्तर का ए नंबर सही हो जाएगा है ना उसके अलावा तौहीद तौहीद का इसमें फाइल क्या होगा तो तौहीद का इसमें फाइल क्या की वह हो जाएगा या फिर वहदात वहदा वहदानियत हो जाएगा उसके अलावा क्या की यानी मवाहद हो जाएगा या फिर वाहिद हो जाएगा तो इसका सत्तर एक सौ सत्तर का सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों सी नंबरों का सी नंबर में क्या है यानी कि मवाहद हो जाएगा ठीक है उसके अलावा अगला सवाल देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है कह रहा है एक सौ इकहत्तर नंबर हिदायत की ज़िद्द क्या होगी तो हिदायत की जिद क्या होगी यहाँ पर देखिए क्या है जलालत है जल है उसके अलावा यानी मज़ल है उसके अलावा जाल है। तो क्या हो तो एक सौ इकहत्तर का सही जवाब की बात करेंगे तो ए नम्मर। ए नंबर। नंबर में क्या हो हो जाएगा? जाएगा। यानी चलिए उसके अलावा अगला सवाल देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि वह खाता है मैं। वह क्या है तो वह खाता है मैं वह क्या इस है इसमें हालिया है इसमें फाइल है इसमें मफकूल है उसमें इनमें से कोई नहीं तो एक सौ बहत्तर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों फटाफट से बोलेगा तो बी नंबर बी नंबर क्या होगा इसमें फाइल फायल करेक्टर वह खाता है इसमें फाइल यहां पर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर इसमें फाइल वह खाता है यानी कि किसी का वह जो यूज कराया गया है किसी के नाम का या फिर किसी लड़का लड़की या फिर किसी यानी शख्स के बारे में वहां पर बात करी जा रही है इसमें फाइल हो जाएगा इसीलिए है ना वह खाता है मैं खाता है कौन फेल है तो खाता है जो कौन फेल होगा फेल माजी होगा फेल खाता है वह खाता है यानी कि हम सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं ठीक है हम फर्स्ट पर्सन हो गए सेकेंड पर्सन वह हो गया और उन लोगों के लिए बोलेंगे तो वह हो जाएगा थर्ड पर्सन ठीक है तो यहां पर क्या क्या होगा वह खाता है मैं क्या हो जाएगा तो फेले माजी हो जाएगा क्या होगा हो? या फिर फैले हाल हो जाएगा तो यहां पर तिरहत्तर सही जवाब की अगर बात करते हैं तो डी नंबर नहीं फेले हाल हो जाएगा यानी कि वह खाता है है जहां पर आ जाए तो मतलब कि हाल में काम चल रही है उसके अलावा अगला सवाल क्या की क्या यानी सादिकादिक की जिद क्या होगी सादिक नहीं है सदका है सदका सदक की जिद क्या होगी होगा उसके अलावा काजिब होगा उसके अलावा क्या नहीं कजाब होगा उसके अलावा इनमें से कोई नहीं तो एक सौ चौहत्तर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो क्या होगा कजब हो जाएगा क्या होगा सदक का होगा सदक नहीं होगा सिद्क सिद्क का कजब हो जाएगा है ना ए नंबर सही जवाब हो जाएगा उसके अलावा अगला सवाल देखिए एक सौ पत्तर नंबर आब आब करना मुहावरे का बानी क्या होगा तो आब आब करना मुहावरे मतलब मतलब आब 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 होना 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 चाहिए ना तो आब आब मतलब होता है शर्म होना, या फिर शर्मिंदा होना या फिर पानी पानी होना तो यहाँ पर एक सौ पचहत्तर का सही अगर बात करेंगे तो शर्मिंदा होना यानी आब आब होना मतलब शर्मिंदा होना पानी पानी होना का मतलब भी शर्मिंदा होना हो जाता है अगला सवाल देखिए एक सौ छिहत्तर नंबर वह आया कौन सा फेल है तो वह आया मतलब कि वह आया यानी कि हम सेकंड पर्सन की बात करें कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा, हमारा एक सौ छिहत्तर का सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों बिल्कुल नंबर होगा नहीं माजी मुतलक हो जाएगा उसके अलावा देखिए एक सौ सतर क्या है कि पंद्रह अफराध में पंद्रह क्या है तो पंद्रह अफराध में पंद्रह क्या है इसमें तादाद है इसमें आलिया है इसमें जर्फ है इसमें फेल हो जाएगा तो एक सौ सतर का सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों बिल्कुल कैरेक्ट आंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा फटाफट से आप सब लोग बोलिएगा जी तो एक सौ सतहत्तर का ए नंबर यानी इसमें तादाद हो जाएगा क्या होगा यानी यहाँ पर तादाद यहाँ पर तादाद मतलब पंद्रह हो गया सोलह हो गया सत्रह हो गया ये क्या है यानी ये संख्या है तो ये तादाद हो जाता है उसके अलावा दर्श गाह तो दर्श गाह क्या है दर्श नहीं है दर्श गाह है तो दर्श गह क्या है इसमें आलिया है उसके अलावा क्या की इसमें अलावा इसमें जर्फ इसमें मुशिर उसमें इसमें मुकबिर तो मैं आप लोगों को इसमें के बारे में बेसिकली अपने एप्लीकेशन में पूरा कंप्लीट तरीके से बता चुका हूं अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका कंप्लीट आपको समझ में आ भी गया होगा तो एक का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बी नंबर का इसमें जर्फ यानी कहीं पर भी कोई ऐसा जो कि हमको ये देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा यानी कि बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया इसमें जर्फ जैसे कि मुकर जगह या फिर मुकर वक्त या फिर मुकर टाइमिंग पता चले तो वह हो जाएगा इसमें और इसमें आला यानी कि चाकू हो गया उसके अलावा हथियार वाली चीज क्या हो जाएगा इसमें आला हो जाएगा उसके अलावा अगला सवाल को देखेंगे एक सौ उसी में से मोनस की निशानदेही कीजिए तो एक मोहनस की निशानदेही कलम है उसके अलावा क्या है? कागज है उसके अलावा क्या की आबरू है उसके अलावा क्या है नि, असर है तो यहाँ पर हमारा सजा एक सौ उनासी का करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल आबरू ये क्या है है देखो मैं कई बार आप लोगों ने कलम के बारे में क्या कर दिया हूं कि मुआनस बता चुका हूं कलम क्या है बेसिकली देखो कलम जो ना है ना मुनस है नहीं ये मेरी कलम है लेकिन इन इनको जो है ना एक अलग कैटेगरी में रखा है इसको मुजक्कर बना दिया गया है तो इसलिए कलम क्या है ये यानी नहीं के अंदर आता है मैं कई बार आप लोग को गलत बता चुका था इसके लिए अगर आप लोग वीडियो पता नहीं आ, देख लिए होंगे तो आप लोग ध्यान दे लीजिए है ना कलम मैंने देखा था कलम को बेसिकली मुजक्कर में रखा गया है ना जी अगला सवाल देखेंगे इनमें से मुजक्कर की निशानदे कीजिए तालीम खुशबू बदबू अखबार तो 180 का सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप सब लोग बोलेगा जी तो 180 का डी नंबर हो जाएगा यानी कि अखबार तो इनमें से मुजक्कर की निशानदी अखबार जो है ये क्या हो जाएगा मुजक्कर हो जाएगा ठीक है जी तालीम हाँ बिल्कुल चलिए उसके अलावा कलमा कितनी आ, कलमा जो है कितनी आ, किस्म है कलमा के कितनी किस्म है अभी एक सौ इक्यासी का जवाब दीजिए तो एक सौ इक्यासी का तीन हो जाएगा कलमा कितनी तरह के होते हैं तीन किस्म की होती है माजी फेल और एक होता है क्या आ, आ, मैं अभी भूल रहा हूँ थोड़ा सा ठीक है मैं भूल रहा हूँ है ना कलमा बेसिकली तीन किस्म की होती है मैं अभी थोड़ा आप लोग कॉमेंट बता कॉमेंट में बताइएगा ठीक है जी हाँ अगला देखिए सवाल है जिस लब्ज का कोई मेरे ख्याल से कलमा आ, मैं अभी थोड़ा सा भूल रहा हूँ कंफ्यूज रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं, तो मैं स्कूल से आया और स्कूल से आने के बाद थोड़ा थोड़ा सा सा मैं मैं रेस्ट भी नहीं करा और डायरेक्टली आ गया याददाश्त आगे आगे चल रहा है याददाश्त थोड़ा सा भी भूल रहा थोड़ा सा बस कोई बात नहीं मैं आप लोग कॉमेंट कर दूंगा ठीक है चलिए जिस लफ्ज का कोई मानी हो उसे क्या कहते हैं तो जिस लफ्ज का मानी हो उसे कलमा बोलेंगे या फिर कलाम बोलेंगे या फिर इसमें बोलेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं तो बिरासी का सही जवाब की अगर कर बात करते हैं दोस्तों जी बिरासी का सही जवाब की बात करें तो ए नंबर का कलमा बोलेंगे ठीक है जिस का उसको कलमा अगला सवाल देखिए अबू बकर अलम की कौन सी किस्म है तो अबू आलम की कौन सी किस्म है तो यहाँ पर लकब है खिताब है उर्फ है कुन्नीत है तो सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर तिरासी नंबर का क्या हो जाएगा जी बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दे रखा है कुन्ियत है अबू बकर क्या हो जाएगा कुन्नीत हो जाएगा ठीक है कुन्नियत यानी जो माँ बाप के या फिर भाई के रिश्ते से जो मिलता है हमको वही को बोल देखो अभी मुझे नींद नींद आ रही है वो नींद इसलिए कि थकावट बहुत है अभी मैं आप लोग का वीडियो तो दे रहा हूँ ये रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ अभी इफ्तार बाकी है है ना <laughs> चलिए अगला देखिए माजी बैद का एक मिसाल दीजिए तो माजी बैद बैद मतलब होता है कि गुजरे जमाना हो जाए उसे बैद बोलते हैं ठीक है वह खाया वह खाया था वह खाया होगा या फिर वह खा चुका है तो यहाँ पर चौरासी का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो देखो कैस, इसका सही जवाब की अगर बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा वह खाया था यानी बहुत जमाने गुजर चुका है ठीक है अगला सवाल एक नंबर आम के आम गुठलियों के दाम में यानी कौन सा मफहूम है चलिए जवाब देने की कोशिश करिए कौन सा मफहूम हो जाएगा आम के आम गुटलियों के दाम आप लोगों को पता होगा इसके बारे में है ना तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल वेरी गुड तो ये हो जाएगा आम के आम गुटली खाना बहुत आम खाना या फिर किसी चीज को दोहराना यानी दोहरा किसी को नहीं, आ, दोहरा फायदा उठाना इनमें से कोई नहीं तो यहां पर हमारा पिचासी का करेक्ट आंसर की बात करते दोस्तों तो क्या हो जाएगा ये बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर सी नंबर क्या है किसी चीज का नहीं, दो, आ, दोहरा काम दोहरा फायदा उठाना नहीं बोलते ना कि आम के आम गुटियों के दाम यानी कि आम का आम मिल गया और इन किसी एक चीज का हम क्या करते दोबारा फायदा ले लेते हैं जैसे एक तीर दो दोनों बोलते ना कि हम काम करते एक लेकिन हमको करना है दूसरा ठीक है तो वो होता है देखिए आज हम लोग क्या करते हैं इतना ही तक क्लास को करते हैं एंड और आप लोग अगर तरावी वगैरह पढ़ते तो पढ़ाने के लिए चले जाइएगा और बाकी देखिए मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ तो बहुत लंबा लेकर के आया था लेकिन इसका मैं कल आप लोग को वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा आप लोग देख लीजिएगा है ना और इन आप लोग की तैयारी यहीं से होगी जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूँ इन इससे बाहर नहीं आएगा बाकी सी टेट का क्लास बहुत अब लाइव क्लासेस होगी और एप्लीकेशन में भी लाइव क्लासेस हो जाएगी ठीक है सी टेट का अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर दीजिएगा सेवन नाइन जीरो थ्री टू एट एट सिक्स एट नाइन पर मुझे मैसेज करके कॉल करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है तो आज का सेशन इतना ही तक और फिर मिलेंगे अगले सेशन में तब तो तक अल्लाह हाफिज़ टेक केयर